स्टूडेंट्स वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 15 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उसमें आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखिए, आज जो भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं, वो है प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो मैं समझाऊँगा आपको, एग्जाम्पल्स कुछ दूंगा, ट्रायल क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, और जो भी एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल है वो मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो से उसमें मैं कवर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी आप समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे दूँ कि जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इट विल प्रोबेबली रेन टूडे, यानी आज शायद बारिश हो सकती है ना, यानी बारिश होने के चांसेस आज कुछ तो है। ओके, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, है ना, मुझे डाउट हो रहा है कि वो शायद पास होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये भी देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। ओके, ऐसा लगता है कि यानी कविता के एग्जाम में फर्स्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, ये है कि चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप, ऐसे चांसेस है कि डीजल के, पेट्रोल के जो प्राइजेस है वो क्या होंगे, अप जाएंगे, उसके चांसेस ज़्यादा है। देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस। देखिए, अब टॉस जीतने की बात आई तो कैसा चांसेस होता है, 50-50 चांस होता है ना। तो यही है कि प्रोबेबिलिटी मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक कुछ होने के चांसेस कि कितने चांसेस है। कभी कुछ जो होती है पॉसिबिलिटी, कुछ इवेंट की पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ज़्यादा चांसेस होते हैं, कभी कम चांसेस होते हैं ना। जैसे कि बारिश होने के चांसेस, बादल देख के हम बोल सकते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है, है ना। तो इसी तरह हम डे टू डे लाइफ में ऐसा प्रोबेबिलिटी का वर्ड बहुत ही यूज़ करते हैं। बट हम यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल, ये सेम चीज़ को हम मैथमेटिकल में ले जाने वाले हैं। ओके, वैसे तो प्रोबेबिलिटी देखिए गैम्बलिंग से स्टार्ट हुआ था, बट आज के अगर हम आज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इतना वाइडली यूज़ होता है, जैसे कि फिजिकल साइंस में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब का जो एप्लीकेशन देखिए इतना बढ़ गया है प्रोबेबिलिटी का। ओके, सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी सीखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस, है ना। हम जब ऐसे क्लास 9 के हिसाब से कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक कॉइन है जिसको हमने 50 बार टॉस किया। ओके, 50 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया है। ओके, जिसमें से देखिए क्या हुआ कि 30 बार क्या हुआ, हेड आया और 20 बार टेल आया। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि डाई है। ओके, एक डाई होती है ना, आपने जो लूडो जैसी गेम है उसमें आपने खेला होगा, जिसमें डाई हम थ्रो करते हैं, है ना, जिसमें 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 नंबर होते हैं, ये सबको पता है कि डाई क्या होता है। मान लीजिए कि एक डाई है उसको हमने कितना 20 बार थ्रो किया है। ओके, जिसमें से 1 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया, 3 कितनी बार आया तो 6 टाइम्स आया। ओके, 4 कितनी बार आया, 7 टाइम्स आया, 5 आया 4 टाइम्स और 6 आया 8 टाइम्स। देखिए, तो इतनी बार हमने जब 20 टाइम्स डाई को थ्रो किया तो इतनी चीज़ हुई, 1 3 बार आया, 2 5 बार आया, 3 6 बार आया। ओके, तो ये क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स है जो हम क्लास 9 में यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ओके, देखिए सबसे पहले हम अब वन बाय वन सब वर्डिंग को समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम जो भी है फ्यूचर में वर्ड जो यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है ट्रायल, तो ट्रायल हम किसको बोलेंगे, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हमने टॉस किया वो क्या है, हमारा ट्रायल है। थ्रोइंग अ डाई, ये क्या है, हमारा ट्रायल। टॉसिंग अ टू कॉइन्स, है ना, ऐसा नहीं कि एक एक कॉइन हम फेंकते, हम ऐसा कर सकते हैं कि दो कॉइन फेंके, हमने एक ही कॉइन 50 टाइम्स फेंका, तो ये जो भी क्या है ये हमारे ट्रायल्स है। ओके, तो ट्रायल क्या है, हमारी एक्शन होती है, हमने जो भी एक्शन की वो हमारे ट्रायल है। बट ये ट्रायल किसको बोलेंगे, ऐसी एक्शन को जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। ओके, जिसके रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट 1 या उससे ज़्यादा कुछ होगा, जैसे कि वो वर्ड को हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स, उसके आउटकम्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, तो हेड और टेल क्या हो गए, उसका आउटकम हो गया, है ना। देखिए नेक्स्ट चीज़ हम वही डिस्कस करने वाले आउटकम्स के बारे में, तो जो ट्रायल का रिजल्ट होगा वो हमारा आउटकम होगा, है ना। तो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इवेंट बोलते हैं। देखिए पहला हमने लिखा है रिजल्ट ऑफ ट्रायल को क्या बोलते हैं, आउटकम, और कलेक्शन ऑफ आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ओके, तो हमने तीन वर्ड समझे, ट्रायल,
ट्रायल यानी जो भी हम एक्शन करते हैं जिसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। ओके, आउटकम क्या है? उसका रिजल्ट है। ट्रायल का जो रिजल्ट आएगा वो हम उसको आउटकम बोलेंगे। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो गए वो उसको हम आउटकम बोलेंगे। वो आउटकम में से कुछ चुनिंदा जो आउटकम हो गए उसको हम इवेंट बोलेंगे, है ना। देखिए एग्जाम्पल से सारी चीज़ समझते हैं तो ही ज़्यादा समझ आएगा, अदरवाइज ऐसा कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। देखो हमने कॉइन को टॉस किया, ओके, वो क्या हुआ? हमारा ट्रायल हुआ। चलिए ये क्लियर है कि कॉइन को टॉस करना उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल। अब देखिए अगर कॉइन को टॉस करते तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है हेड और टेल आया, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए? आउटकम्स हो गए, है ना। तो टॉसिंग अ कॉइन हो गया ट्रायल और हेड और टेल हो गए उसके आउटकम्स। अब मैं क्या बोलता हूँ? गेटिंग अ हेड। मुझे क्या चाहिए कि मान लो हेड कितनी बार आ सकता है? तो देखो हेड आएगा वो मेरा इवेंट है, टेल आएगा वो मेरा इवेंट है, ओके। तो समझ रहे हो आप? देखिए चलिए एक और एग्जांपल डाई की मदद से समझते हैं। जैसे कि थ्रोइंग अ डाई इज अ ट्रायल। ट्रायल क्या है? मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ जिसमें से देखिए आउटकम कितने हो सकते हैं। अगर मैं डाई को थ्रो करूँगा तो हमें पता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये आ सकता है। तो ये मेरे आउटकम्स हो गए, ओके, जिसमें से मुझे क्या 1 चाहिए। अगर गेटिंग अ 1 इज एन इवेंट, गेटिंग अ 2 इज एन इवेंट, गेटिंग अ 3 इज एन इवेंट, ओके। उसी तरह अगर गेटिंग एन इवन नंबर, मुझे इवन नंबर चाहिए तो वो क्या है? इवेंट है। गेटिंग एन ऑड नंबर तो वो क्या है? इवेंट है, ओके। तो इस तरह से देखिए ये तीन वर्ड को समझना जरूरी है, जैसे कि ट्रायल, आउटकम और क्या हो गया? ट्रायल, आउटकम और इवेंट, ठीक है। और लास्ट देखिए गेटिंग एन इवन नंबर इज इवेंट, है ना। चलो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को दूसरा हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को लिखने का ये तरीका है, देखिए दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये क्या है? पी ऑफ ई है, पी ऑफ ई, पी यानी प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ओके। इवेंट मैंने आपको समझाया, जैसे कि डाई थ्रो करते हैं तो 1 आ जाए वो मेरा इवेंट है, 2 आ जाए, ओके, जो हम बोलते हैं ना शायद ये आ जाए तो वो हमारा इवेंट होगा, ठीक है। और जो भी टोटल होगा वो हमारा आउटकम होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जी डिवाइड में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, हमने जितनी भी बार, मान लो एक कॉइन है जिसको मैंने 100 टाइम्स फेंका, ओके, 100 टाइम्स को फेंका, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया हमारा? यहाँ पे हमें लिख देते हैं कि डिवाइड में हम 100 लिख देते हैं, ओके, जिसमें से मैं अगर इवेंट मान लूँ कि हेड आ जाए, हेड कितनी बार आते हैं तो मान लेता हूँ 60 टाइम्स आया हेड, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखिए यहाँ पे नहीं लिख रहा, नीचे लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? तो टोटल मैंने कॉइन कितनी बार थ्रो किया है? 100 बार, जिसमें से हेड कितनी बार आया? देखो क्योंकि क्या लिखा है फॉर्मूला में ऊपर, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऐसे ट्रायल्स, ये टोटल ट्रायल है 100, उसमें से ऐसे ट्रायल जिसमें से इवेंट हुआ, ओके। तो यहाँ पे इवेंट क्या है? मेरा हेड है, ओके। तो इवेंट क्या हुआ? हेड हुआ, तो हेड कितनी बार हुआ है? 60 टाइम्स। तो यहाँ ऊपर मैं क्या लिखूंगा? 60, ओके। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0.6 आएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से देखिए ये प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। हम बार बार सारे एग्जांपल में यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, बस ये इवेंट की जगह पे हम इवेंट चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे ट्रायल्स चेंज होते रहेंगे, ओके। ये इवेंट चेंज होते जाएंगे और जो भी ट्रायल चेंज होते जाएंगे, क्योंकि हर बार सेम ट्रायल नहीं होंगे। जैसे कि हेड कॉइन को फेंकना वो एक ट्रायल है, डाई को थ्रो करना एक ट्रायल है, पास होना फेल होना, ओके, यानी एग्जाम का रिजल्ट आना तो वो भी एक ट्रायल हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ है, और अब आगे के जो हम जो भी लेक्चर्स कवर करेंगे उसमें हम सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के बुक में जो टोटल जितने भी सॉल्व एग्जांपल है वो सारे कवर करेंगे, उसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे, ओके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते रहते हैं।